आपको कुछ कह रहे हैं। आइए बेटे डिस्कस करें, आज सेकंड हो गई है, सेकंड एक 2021। आपको लैंडर के बारे में बेटे हमने काफी कुछ डिस्कस किया था लास्ट टाइम। लेट अस बेटे नाउ फोकस अपॉन द केस ऑफ अवर कनकेव कन्वेक्स एंड रादर स्फेरिकल मिरर्स। बेटे आइए बच्चों देखें, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस बेटा, या सिंपली स्फेरिकल मिरर भी आप कह देते हो बेटा, एक ही बात है। स्फेरिकल मिरर्स में बेटे हमारे पास दो टाइप के मिरर्स हैं। वी हैव विद दस फर्स्ट बेटा कंकेव मिरर, सेकेंडली वी हैव कन्वेक्स बेटा मिरर। बेटी जो कंकेव और कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस हैं, कंकेव एंड कन्वेक्स जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस हैं बेटा, बिगिनिंग से स्टार्ट करने वाले हैं हम बेटा, राइट। अगर हम अपना सिलेबस देखें तो यहाँ से स्टार्ट होता है। प्लेन मिरर हमने डिस्कस कर लिया है, अच्छी बात है, लेकिन वो उन्होंने अभी हमारे सिलेबस में से एलिमिनेट कर दिया है। सो डियर चिल्ड्रन, आपका कंकेव और कन्वेक्स दो ऐसे रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस हैं जिनकी माइन्यूट डिटेल्स हम पढ़ने वाले हैं। सिंपल एग्जांपल दूंगा आपको, हम बेटे स्पून खाना खाने के लिए यूज करते हैं, स्पून का अंदर वाला जो सरफेस है वो कंकेव होता है और बाहर वाला कन्वेक्स। इस चीज को अपने माइंड में रखिएगा, अकॉर्डिंगली वी कैन मैनेज द थिंग्स विद इट। तो पहले हम बेटे बात करेंगे कंकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, कंकेव मिरर की क्या होता है, कैसा होता है, क्या इसकी डिटेल्स हैं और कैसे हम बेटे इसके साथ डील करने वाले हैं। तो डियर चिल्ड्रन आप साथ साथ ड्रॉ कर लीजिएगा, ये आपका बेटे कंकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस या कंकेव मिरर आप कह लो, ये पुत्र इसका पेंटेड सरफेस जिसपे आपने पेंट कर रखा है, और इसके अंदर वाला बेटे पॉलिश्ड सरफेस है। अगर मैं और थोड़ा सा ध्यान दूं तो ये इस स्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा है, ये स्फीयर आपने ड्रॉ किया, इस स्फीयर का ये आपका कंकेव मिरर एक छोटा सा हिस्सा है। लेट इट बी द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। ऐसे ही आपके मिरर का भी सेंटर होगा, इसको आप पोल बोलते हो बेटा, सेंटर ऑफ द मिरर को। जैसे ये आपका कंकेव या कन्वेक्स हो तो जिस भी जगह पे आपका सेंटर आ जाए दैट वी विल बी कॉलिंग एज द पोल। आपने सी को सेंटर ऑफ कर्वेचर को और पोल को ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस बेटे। एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिडल में ये पॉइंट आपका फोकस कहलाता है, एग्जैक्टली इन द मिडल जो है। और आप फर्दर मोर बेटे इसके साथ रिलेटेड टर्मिनोलॉजी की अगर बात करोगे तो हमारे पास कुछ बेसिक्स हैं जिनमें सबसे पहले बेटे आपके पास आ जाता है पोल। व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म पोल, पोल को आप पी से डिनोट करोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको आप सी से डिनोट करोगे, देन प्रिंसिपल एक्सिस, देन बेटे हमारे पास आ जाता है फोकस, देन बेटा फोकल लेंथ, इसके बाद अपर्चर। ये बेटे कुछ बेसिक्स हैं हमारे कंकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ रिलेटेड, जिनको हमें जरूर पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है और ये कैसे हम इनको बेटा यूज करेंगे इन अवर फर्दर डिस्कशन।
पोल बेटे क्या चीज है जरा समझिएगा। आपके मिरर का सेंटर, ये आपका मिरर का सरफेस था, इसके सेंटर को बेटे पोल बोल देते हैं, मिरर के सेंटर को कह रहा हूं मैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी क्या है? सेंटर ऑफ कर, इधर देखिएगा पहले बेटे एक बार, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट, ठीक है जी। तीसरी बात हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल एंड देन एक्सटेंडेड, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस बिटवीन। आपके सी को और पी को ज्वाइन करती हुई लाइन बनाकर अगर आप इन एक्सटेंड कर दोगे, दैट इज कॉल्ड बेटे प्रिंसिपल एक्सिस। चौथी बात फोकस है बेटा, फोकस आपका बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल का ज्वाइन करती हुई लाइन का बिल्कुल मिड पॉइंट है, एग्जैक्टली मिडल में जो पॉइंट है पोल की और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, दैट इज कॉल्ड बेटा फोकस। फोकल लेंथ, एक बात याद रखिएगा, हम सारे डिस्टेंसेस पोल से मेजर करना स्टार्ट करते हैं, पोल से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है ये बेटे आपका फोकल लेंथ कहलाता है, इसको स्मॉल एफ से हम डिनोट करेंगे। अपर्चर, इमेजिन करिएगा स्पून का इनर सरफेस आपने अपने सामने रखा, स्पून का इनर सरफेस जितने सरफेस एरिया से रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, इफेक्टिव सरफेस एरिया फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस, दैट इज कॉल्ड अपर्चर। अपर्चर बेसिकली इफेक्टिव सरफेस एरिया होता है, जिस एरिया से आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपको लाइट को रिफ्लेक्ट करके दे रही है। हाँ जी पुत्र, अपर्चर ये वाला आपका सरफेस एरिया, ये देखिए ये, अब ये तो टोटल सरफेस एरिया हो गया अंदर वाला, अब आपका वो सरफेस एरिया जिससे रिफ्लेक्शन हो रही है वो इसके बराबर नहीं होगा, थोड़ा बहुत कर्वेचर की वजह से कम हो जाता है बेटा, स्पेशली कुछ ऐसे बना लिया करते हैं इसलिए, तो दैट सरफेस एरिया जो है दैट वी कॉल एज विट ए अपर्चर। रिपीट करूंगा बेटा मैं, इफेक्टिव सरफेस एरिया फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन इज टेकिंग प्लेस दैट इज कॉल्ड अपर्चर। भूमिका कुछ कहना चाहती है, बोलिए। सर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो फिक्स्ड ही होता है, मतलब वो चेंज नहीं होगा। नहीं बेटे, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो आपके देखो मिरर का जो आउटर स्फीयर आपने बनाया उसका सेंटर है, आप स्फीयर को तो बदल नहीं सकते, बड़ा छोटा नहीं कर सकते, तो वो फिक्स ही हुआ बेटा, राइट। ओके, तो बेटे अब मैं इनको वन बाय वन डिफाइन कर दूं, क्या कहते हो आप, बोल दीजिएगा वन बाय वन। मैं पहला पॉइंट पोल से स्टार्ट कर रहा हूं, लेट अस बिगिन विद बेटा पोल। पोल इज डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस बेटे, पोल इज डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल, यहां पे कंकेव है ना आपका, स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेटा। सेकेंड आपके पास सी था, सेंटर ऑफ कर्वेचर बेटा चेक करिए, यही है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल सी, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिफाइंड एज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट, राइट बेटे। उस स्फीयर का सेंटर, जिस स्फीयर का आपका मिरर एक छोटा सा हिस्सा है, जिस स्फीयर का, उस स्फीयर का सेंटर आपका सेंटर ऑफ
कर्वेचर कहलाएगा। तीसरा क्या था वो तो देखिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस बेटे, आइए देखें डिफाइन करें प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। थर्ड पॉइंट है बेटे हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, लाइन ज्वाइनिंग सी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पी पोल एंड एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस बेटे, राइट। चलें पुत्र जी आगे, फोर्थ पॉइंट देखिएगा, इट इज फोक। हाँ जी बेटी, इसको रब नहीं कर रहा मैं, आप आगे आ जाइए। हाँ जी, अच्छा दिखता पाया है, नोट कर रहा है, गुड ओके। गुस्से हो गई सुबह सुबह, आपने नोट कर लिया, ठीक है हो गया बेटा। फोर्थ वन बेटे कौन सा कह रहे थे आप, फोकस, फोकस बेटे जो है इसको आप कैपिटल एफ से बेटे डिनोट करते हो, इट इज द सेंटर और इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग सी एंड पी। फोकस इज डिफाइंड एज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग सी एंड पी बेटे। क्लियर हो गया बच्चों, सारे बच्चों को उत्तर। चलें जी आगे, क्यों गुड़िया, ओके। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फोकल लेंथ, आइए देखें फोकल लेंथ क्या है। द डिस्टेंस ऑफ द फोकस मेजर्ड फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक। पॉइंट नंबर फाइव, फोकल लेंथ, इसको आप स्मॉल एफ से डिनोट करोगे, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल बेटे, तो इसको आपने एफ ऑलरेडी कह दिया है, राइट। अगले वाला पुत्र देखो क्या है, अपर्चर, वेरी गुड वेरी गुड, आइए देखिए अपर्चर क्या है। सिक्स वन इज अपर्चर, इट इज द इफेक्टिव सर्फिस एरिया फ्रॉम विच द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, इट इज द, अरे भाई साहब, इट इज द इफेक्टिव सर्फिस, बेटे लिख लो बेंच पे मत लिखो सर, अपर्चर इज द इफेक्टिव सर्फिस एरिया फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस बेटा, ठीक हो गई बात, सारे बच्चों को समझ आ गया बेटा, सारे स्टूडेंट्स को बेटे पता चल गया, और ऑनलाइन वाले बच्चे भी, अंशिका, आशिमा, बलजिंदर, भावना, भूमिका, हरजोत, हरीन, हरसिमरन, कनिष्का, पलक, काविश एंड राघव, रूहानी, तृप्ति, वैभवी, समीक्षा, ओके। चलें जी आगे, फिर इसके बाद बेटे मैं आपको कन्वेक्स सरफेस बनाकर सारे पर्टिकुलर जिसमें भी एक बार शो कर देता हूँ कि कौन कौन सी हमारी टर्मिनोलॉजी है। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन द कन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस आल्सो बेटा। सो डियर चिल्ड्रन, आपका जो कन्वेक्स सरफेस है उसमें
आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेटे आउटवर्ड होगा एंड पॉलिश्ड सरफेस इनवर्ड होगा। ये देखिएगा, ये बेटे आपका बन गया जी कौन सा मिरर, इसका पेंटेड सरफेस किधर बनाऊं मैं, इस साइड पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। ये आपका पेंटेड ब्लैक पेंट किया है आपने, या ऐसे डीप कलर का पेंट, ये जो आप सरफेस देख रहे हो, या ये बिल्कुल साइड पे जो डीप पेंट है, ये आपकी लाइट को आगे ट्रांसमिशन से रोक देता है। ये आप स्फीयर कंप्लीट कर सकते हो जैसे मैंने डॉटेड लाइन से किया है, अगर आपको जरूरत हो तो, अदरवाइज होती नहीं जरूरत। इसका मिरर का सेंटर क्या कहलाता है, होल। इस स्फीयर का सेंटर क्या कहलाता है, कर्वेचर का सेंटर। इनको लाइन ज्वाइन करती हुई इसको एक्सटेंड कर दे, क्या कहलाती है, बहुत बढ़िया, प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस कहाँ बनाऊं, सेंटर पे। फोकल लेंथ किसे कहूं, पोल से लेकर, नहीं फोकस तक, पोल से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ, पोल से कर्वेचर तक भी डिस्टेंस होता है, उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कह देते हैं। लिख देता हूं मैं वो भी, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको आप बड़े वाले आर से लिखते हो बेटा, और याद रखिएगा आपका फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, हाफ होता है। क्यों, क्योंकि हमने पॉइंट टू मिड पॉइंट अपने आप ही बनाया था इंटेंशनली। या आप ऐसे भी कह लो कि आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इट इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। ठीक हो गई बात बच्चों, बेटे समझ आ गई बात, चलें फिर आगे। अब डियर चिल्ड्रन, कंकेव मिरर के साथ रिलेटेड मेरे पास 5-6 केसेस हैं कि आप कौन कौन सी रेज यूज करते हो इमेज बनाने के लिए। आप हेडिंग लिख लीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट रेज यूज फॉर इमेज फॉर्मेशन। हेडिंग लिख लेना, इंपॉर्टेंट रेज यूज फॉर इमेज फॉर्मेशन। हाँ जी सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एक बार फिर से बताना बेटे। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर ऑफ विच यूर मिरर इज ए पार्ट। वो फुटबॉल इमेजिन कर लीजिए, उसका रेडियस। समझ आई बात बेटे, कौन बच्चा बोल रहा था, आई कुड नॉट सी, भूमिका बोल रही है सर। यस सर। ओके नाइस बेटे, नाइस। पहला रे बेटे कौन सा यूज करेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए, ध्यान दीजिएगा। चाहे सरफेस आपका कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, आपने ये एक कनकेव सरफेस बेटे बना रखा है, राइट बेटा। ये पॉइंट को क्या कहूं मैं, पोल। बहुत बढ़िया। और ये आपकी लाइन को क्या कहूंगा मैं, वेरी नाइस। ये मेरा ये फोकस, इसको यहां बोल देते हैं, सी फिर ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना। ठीक है जी, हमेशा याद रखिए अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये बेटा फोकस में से पास कर जाया करती है। This is to be kept in mind, right? आप बता सकते हो ऐसा क्यों, क्योंकि, हाँ जी वो तो ठीक है, लेकिन वो ये कोई बात थोड़ी हुई कि कब, गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार मेरी बात भी सुन लीजिए, सी को इस पॉइंट ए पॉइंट बोल दूं, इसको मैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को, मैं सी को ए से ज्वाइन कर देता हूं, ये लाइन क्या बनी, क्या कहलाती है, ये नॉर्मल। आपको कितना अच्छे से आता है, ये एंगल ऑफ कौन सा कहलाएगा,
ये इसके बराबर होना चाहिए। एंगल आई और एंगल आर क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इसीलिए ये फोकस में से पास कर रहा है। समझ आ गई सबको बात? चलें आगे। दूसरा रे जो आप यूज करोगे इमेज फॉर्मेशन में, ये आपके पास एक कनकेव मिरर आ गया जी। अरे बच्चों ये कनकेव है कि नहीं है? अरे बता दिया करो। है, गुड। ये फोकस है और ये पोल है। अगर कोई रे फोकस में से पास करती हो तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी बिकॉज ऑफ द सेम रीजन। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बिकम इक्वल टू व्हाट? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक। हाँ जी पुत्र। अरे रेज क्यों करना बेटे? मैंने इसीलिए दो दो डायग्राम बना रहा हूं, एक तो हो गया होगा। ओके ओके ओके। तीसरा रे जो आप यूज करोगे इमेज फॉर्मेशन के लिए, आइए उसको भी हो गया पहले वाला पुत्र? जल्दी कर लो बेटे, जल्दी कर लो बेटे। जब आप डायग्राम बनाते हो पेन सिर्फ यूज करिए, बाकी स्केल स्कूल रहने दो। रफली जैसा बनता है बनाओ, जैसे बनता है बनाओ, कोई बात नहीं। थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, बाद में ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें आगे। ओके जी, तीसरा रे हम जो यूज करने वाले हैं, पेपर में स्केल यूज कर लेना, अभी प्रेजेंटली आप फटाफट फ्री हैंड से ड्रॉ कर दो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तीसरा पॉइंट है, तीसरा रे जो हम इमेज फॉर्मेशन के लिए यूज किया करते हैं, ये आपका कंकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आपके लाइन को क्या बोलते हैं? आवाज नहीं आ रही? ओके अब आ रही है। अगर कोई रे सी में से पास कर जाए, जरा ध्यान से देखिएगा, ये रे चली गई, चली गई ये रे, रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर जाएगी? गुड़िया। किसके पैरेलल? क्यों रिफ्लेक्ट होगी तो पैरेलल? यस, तो नीचे कर लो थोड़ा सा। कितना हुआ एंगल आई एंगल आर? गुड। अगर जीरो है तो ये रे फिर वापस ऐसे ही चली जाएगी फिर तो, राइट? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। ओके ओके गुड। आपके मास्क की वजह से आवाज नहीं क्लियर आ रही थी। जब आप बेटे ये वाला रे यूज करोगे, ध्यान दीजिएगा पुत्र सारे बच्चे, ये नॉर्मल भी यही होती है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट को ज्वाइन करती हुई। जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है यानी जीरो डिग्री है, वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, वो भी जीरो ही होगा। और अगर जीरो है तो ये रे अपना पाथ सिंपली रीट्रेस कर जाएगी, राइट? तीन रेज हमने बनाई हैं, तीन में से कोई दो आप यूज कर सकती हो इमेज फॉर्मेशन के लिए। अब आइए इमेज इज फॉर्म्ड इन द कनकेव मिरर, फटाफट बना लें, स्पीड अप कर दें जरा काम अपना। आइए बच्चों देखो, ये सेकंड वाला हो गया होगा आपका। हेडिंग लिख लीजिए, इमेज इज फॉर्म्ड इन द कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर एट डिफरेंट पोजीशंस। इमेज फॉर्म्ड इन द कनकेव मिरर, उत्तर लिख लो। इमेज फॉर्म्ड इन द कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट डिफरेंट पोजीशंस। बेटे इमेज फॉर्म्ड इन द कनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट डिफरेंट पोजीशंस, राइट? पहला है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, साथ साथ ड्रॉ कर लेंगे आप। ये आपका कंकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये पेंटेड सरफेस, और इस लाइन को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को, इसको। बहुत बढ़िया,
जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो आप ये डॉटेड लाइन शो कर देते हो, डॉटेड लाइन का मतलब है बड़ी दूर से रे आ रही है, जब ये पैरेलल आती है तो कहां से रिफ्लेक्ट होके चली जाती है, फोकस से ऐसे चली गई। एक और ये मान ले, ये लीजिए एक और ये आ रही है, ये भी पैरेलल ही आ रही है, तो ये फोकस पे असल में मिल रही है, ऐसा इमेज बनेगा जब रेज एक्चुअली इन्वर्टेड और बहुत बढ़िया रियल इन्वर्टेड और पॉइंट साइज कह देता हूं मैं। और चौथी बात एट फोकस राइट। दूसरा केस, हां जी गुड़िया, बड़ा छोटा सा, वेरी वेरी स्मॉल, हाँ जी हाँ जी कह सकते हैं जी कह सकते हैं। दूसरी बात व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, आइए देखें, ये आपका कंकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस, समथिंग लाइक दिस बेटा, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको ऑब्जेक्ट कह दूं मैं, ये भी क्या कहते हो, कह देना चाहिए ना। इससे एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस में से आ जाएगा, दूसरा रे कौन सा लें, सी में से कि एफ में से, कौन सा सौखा लगता है आपको, सौखे वाला काम नहीं करेंगे, औखे वाला करेंगे, लेट इट बी पासिंग थ्रू सी, सी में से गया ऐसे ही वापस आ जाएगा। यहां पे ये दो रेज एक्चुअली क्या कर रही हैं, मीट कर रही हैं। इमेज कैसा बना, ए डैश बी डैश, देखिएगा ध्यान से, रियल इन्वर्टेड स्मॉल साइज बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन राइट बेटा, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, उल्टा बन गया, रेज असल में मीट कर रही है, रियल है, उल्टा है ही है, सी और एफ के बीच में है, और क्या था, और कुछ भी नहीं, क्लियर। तीसरा केस ऑब्जेक्ट इज, हाँ जी हाँ जी, ना ना ना, वर्चुअल भी बनेगा, जब आपका ऑब्जेक्ट यहां रखोगे वर्चुअल भी बनेगा, हमें देखो पुत्र रियल बने या जैसा मर्जी बने, जब आपको एग्जामिनर कहते हैं कि इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, हमें लिखना पड़ेगा, हमें इसका आधा नंबर होता है लिखने का, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ कितने हो गए, दो, एक नंबर डायग्राम का कितने हो गए, तीन, अगर तीन में से तीन हमने नंबर लेने हैं तो सारा लिखना पड़ेगा, राइट बेटे। देन पुत्र तीसरा पॉइंट आ जाएगा जी हमारा, जब हमारा ऑब्जेक्ट बेटा सी पे होगा तो इमेज कैसा बनेगा, लेट अस फोकस अपॉन थर्ड केस, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका बेटे कंकेव रिफ्लेक्टिंग सरफेस मिरर, ये लाइन को क्या बोलेंगे, अरे पोल, ये पॉइंट पोल, ये फोकस, इसको सी कह दें, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ये भी, ये पैरेलल चला गया, फोकस में से आ जाएगा, ये अब दूसरा कलर यूज कर लेता हूं मैं, ये फोकस में से चला गया और पैरेलल आ जाएगा, तो ये यहां पे मीट करना चाहिए था, इमेज आपका ए डैश बी डैश बन जाएगा, सी पे ऑब्जेक्ट है, इमेज भी सी पे ही बन जाएगा बेटा, आप अपना डायग्राम अकॉर्डिंगली देख लेना,
ये थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा लग रहा है इसलिए नहीं आपको लग रहा, ठीक है बेटे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी इमेज फॉर्म्ड इज रियल इनवर्टेड एट सी एंड ऑफ द डायग्राम फिर से बना के बताते हैं। ओके जी, ये लीजिए डायग्राम फिर से लीजिए। देखो डायग्राम ध्यान से देखो, ये आपका कंकेव मिरर, ये पेंटेड सरफेस, ये पोल, फोकस, यहां पे मेरा ऑब्जेक्ट, इंसिडेंट रे फोकस में से आ गया, फोकस में से चला गया, ये पैरेलल आ गया, ये आपका सी था, दिस इज ए बी, दिस इज ए डैश एंड बी डैश, राइट बेटा? सारे बच्चों को पता चल गया जी बेटे, चौथा के हाँ जी, ओके नाइस। फोर्थ वन, हाँ जी वेट कर रहे हैं बेटे, कोई बात नहीं, आपको साथ लेके चलेंगे, कर लीजिए काम, कोई बात नहीं बेटे, कर लो आप कंप्लीट कर लो, जब आप कहोगे तभी आगे चलेंगे, जब हो जाएगा बता दीजिएगा। डन कर रहे हो कि नहीं आप? अच्छा समझ रहे हो, चलिए बाकी कल करते हैं बेटे, बेल हो गई है, थैंक यू ऑल।